The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. This is Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. So, friends, today we will talk about stomach flu. Yes, we have talked about flu or cold, nasal disease or साइनसिस की बीमारी के साथ ज़्यादा लिंक करी है, लेकिन स्टमक में भी आपके फ्लू हो सकता है. पेट में फ्लू होना यानी वायरस के वजह से पेट खराब होने के चांसेस होते हैं. इवन कोरोना के वायरस के वजह से भी पेट खराब हो सकता है. नो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मेडिकल भाषा में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस. इसका मतलब इंटेस्टाइन में आपके इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से या तो आपको वाटरी डायरिया होगा, पेट में क्रैम्प्स होंगे, नौशिया वॉमिटिंग होगा, या कभी कभी फीवर भी हो सकता है. ज़्यादातर इसको हम इसलिए वायरस के वजह से हो रहा है, वायरस आपके अंदर आ रहा है किसी और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, और वो जो आपके खांसी करके या उनके जो वायरस है वो आपके पेट में चला गया, या आपने कुछ ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, वायरस फूड पे लगा था, आपने वो खा लिया, वो पेट में गया, वायरस पेट में इन्फेक्ट कर गया, या पानी में वायरस है, पानी से चला गया. ये पॉसिबल है, बिल्कुल कॉमन है, बहुत कॉमन है. और अगर आप हेल्दी हैं, अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, तो बहुत ही बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप खुद ही रिकवर कर जाएंगे. लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं, ओल्ड बुजुर्ग हैं, या आपकी इम्यून सिस्टम पहले से आपको दिक्कत दे रहा है, कोई पुरानी बड़ी बीमारी है आपको, तो ऐसे छोटे से वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे इन्फेक्शन भी आपको जानलेवा रूप धारण कर सकते हैं. वायरस के वजह से ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, तो उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं है. प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज़ है. जो भी आप खाते पीते हैं उसको ध्यान रखिए. हैंड वॉशिंग सबसे बड़ा डिफेंस है आपका. और अगर आपको वायरस के वजह से किसी प्रकार का स्टमक फ्लू होता है, जो ऑब्वियसली इट्स सेम लाइक इन्फ्लुएंजा, राइट, रियल फ्लू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, थ्रोट, गला, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है. यहाँ पे आपके साइंस पेट वाले होंगे, जो हमने आपको बताया. कभी कभी इसमें मसल पेन्स भी हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा वायरस है, इसको 1 से 3 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं जब आपके अंदर जाएगा उसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन तक रह सकता है, राइट. और कई सारे सिम्टम्स जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जैसा होता है, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंटीबायोटिक लें कि ना लें. और अगर जनरली आपको डायरिया 1-2 दिन से ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल डॉक्टर से बात करना चाहिए. और डायरिया के लिए, लूज मोशन के लिए, हर लूज मोशन के बाद 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी. और इलेक्ट्रोल ओआरएस, नारियल पानी जैसी चीज़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, तो उनके केस में बुखार को हमेशा ध्यान में रखें. 102 से ज़्यादा बुखार होता है, बढ़ने ना दें. अपने डॉक्टर से बात करें कैसे करना है. बच्चा अगर इरिटेबल बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा थका, लिथार्जिक है, बहुत पेन में है, या फिर ब्लड आ रहा है लैट्रिन में, तो या फिर वो बहुत ड्राई, नो, डिहाइड्रेटेड लग रहा है, देन आपको दिक्कत हो सकती है. सो बच्चे के केस में बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर बात करें. सो इनमें कौन कौन से वायरसेस हो सकते हैं, इसके अंदर नोवो वायरस बहुत कॉमन है बच्चों में, वो हो सकता है. रोटा वायरस हो सकता है, ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में. और कई सारे अलग वायरसेस भी होते हैं, बट ये 2 मेन कारण है बच्चों में जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. उसके और एडल्ट्स में भी नोवो वायरस बहुत इफेक्ट करता है, बच्चों में रोटा वायरस बहुत कॉमन है. उसके बाद रिस्क फैक्टर्स किसके हैं, बुजुर्ग होंगे, स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे, यंग चिल्ड्रन होंगे, वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है. वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बीमारी बढ़ती है, उसका मेन कारण होता है डिहाइड्रेशन, सीवियर लॉस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स. तो ऐसे केस में पानी, फ्लूइड्स, और जो मैंने बताया इलेक्ट्रोल ओआरएस सबसे बड़ा आपका हथियार है, एंटीबायोटिक एंड ऑल से भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स जो होते हैं, वो आपके वायरल इन्फेक्शन उस समय किस वायरस के थ्रू लग रहा है, ये आपके डॉक्टर आपको देंगे. अगर आप बचना चाहते हैं इससे, तो प्रिवेंशन के लिए हाथ रेगुलर वॉश करें. और जनरली रोटा वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अपने बच्चों को अपने डॉक्टर से बात करके आप लगवाएं. बच्चों के लिए ही ज़रूरी है, बड़ों के लिए नहीं, रोटा वायरस के लिए. इसके अलावा अपने घर को डिसइंफेक्ट करें रेगुलरली. बाहर जाते हैं तो बॉटल्ड वाटर पिए, या फिर उबाल के, पानी उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं, छान के पी सकते हैं, राइट. आप जब ट्रैवल करते हैं, या तो खुद का बहुत पानी ले जाएं, इवन आइस क्यूब्स में दिक्कत हो सकती हैं, आइस की. और कच्चा खाना ना खाएं, पका गर्म गर्म खाना खाएं. अंडर कुक्ड मीट या फिश बिल्कुल भी नहीं खाना है. और अगर गलती से हो जाता है आपको वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और रह जाता है 1-2 दिन तक, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि वो अपने आप
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्टूल सैंपल देना पड़ता है और आपका बैक्टीरियल पैरासाइट इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, आपको हाइड्रेशन सही रखना है, रेस्ट करना है और कुछ ही दिनों में ही अपने आप ठीक हो जाएगा जनरल रेस्ट से। घर पे आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टमक को सेटल होने दीजिए, तो उसके लिए आप ब्लांड डाइट लीजिए, सॉलिड खाना बंद कर दीजिए कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और आइस चिप्स या स्मॉल थोड़े छोटे छोटे सिप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है, पेट को आराम मिलता है। और धीरे धीरे खाइए, अच्छे से चबा के खाइए, ब्लांड सा डाइट खाइए और अच्छी इजीली डाइजेस्टेबल खिचड़ी टाइप्स फूड खाइए, रेस्ट प्रॉपर लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, आपको आराम आएगा। और जो दवाइयाँ आप लेते हैं, दर्द की दवाइयाँ, आइबुप्रोफेन, एसीटेट, पैरासीटामोल, उनको ध्यान से रखिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, ब्रूफिन वाली दवाई नहीं लेनी है, पैरासीटामोल थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दर्द हो, ज़्यादा बुखार आए तब, राइट। बच्चों के केस में अपने डॉक्टर से पूछ के लें कितना डोज लेना है, बच्चों को हाइड्रेट रखें, बच्चों की नॉर्मल डाइट, अपनी जो डाइट आपके डॉक्टर ने बता रखी है उम्र के हिसाब से वो देना है, कुछ प्रकार के फूड यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, जब भी पेट खराब होता है दूध वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, दही दे सकते हो, दूध नहीं देना है, वो ध्यान में रखिए। कुछ टाइम के लिए जब आपके पेट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन होता है, तो डेयरी यानी दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होता है उसको डाइजेस्ट करने वाला जो हार्मोन है लैक्टेज, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इस वजह से आपको दूध जो है पचता नहीं है। सो दूध नहीं लें, दही लें अगर लेना है तो, और बाकी अपने पानी सबसे बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों के लिए जिंक अच्छा काम करता है, ZND ड्रॉप्स आते हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा है वो अपने डॉक्टर से बात करके आप ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक फ्लू, आई होप दिस वीडियो हेल्प, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीबडी। सो एंड दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।